नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह अकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में फॉडर क्रॉप स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली फॉडर क्रॉप। पिछले में हम लोग ने ग्वार पढ़ा था और आज ओट, OAT, ओट, इसको क्या कहते हैं, जई। जई स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो इसका बॉटनिकल नेम जई का बॉटनिकल नेम क्या है, एविना सटाइवा। और जो एविना सटाइवा है, ठीक, और एक वाइल्ड ओट होता है एविना फतुआ, ठीक। तो ये जई जो क्रॉप पढ़ेंगे, एविना सटाइवा, एविना सटाइवा, ठीक। और इसकी फैमिली क्या होती है, देखिए ये ग्रैमिनी कुल का है और ग्रैमिनी कुल का पौधा है, तो इसकी फैमिली क्या होगी, ग्रैमिनी। फैमिली ग्रैमिनी, ठीक। ग्रैमिनी को क्या और बोलते हैं, पोएसी। गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, जितना गेहूं में होता है उतना इसमें भी होता है। क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, 42। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान क्या है, एशिया माइनर। एशिया माइनर, ठीक। तो देखिए बॉटनिकल नेम जई जो है ओट, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एविना सटाइबा, एविना सटाइबा। फैमिली कौन सी है, फैमिली ग्रैमिनी है, फैमिली ग्रैमिनी। क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 42। 42 गुणसूत्र इसमें होते हैं, 2n बराबर। और ओरिजिन प्लेस इसका क्या है, एशिया माइनर, उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ा जाए, आगे है इसमें प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन कितना पाया जाता है जई में, 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। दस से बारह प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। और चारे के लिए उगाना है, मेनली फॉडर क्रॉप है, तो जई के चारे में, इसके चारे में 30 से 35% शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर जिसको कहते हैं, पाया जाता है, ठीक। हरे चारे में 30 से 35% शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ पाया जाता है, ठीक। ठीक, और दाने का प्रकार क्या होता है, इसका ग्रेन क्या कहलाता है,
गेहूं का भी ग्रैंड क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस, और जई का ये भी कैरियोप्सिस कहलाता है। तो दाना क्या ग्रैंड क्या कहलाता है, दाना का प्रकार क्या होता है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस, ठीक। आगे जई में जो एक एल्कलॉइड पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, जई में नाइट्रेट, नाइट्रेट नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है। अगर पूछा जाए जई में कैसा कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो नाइट्रेट, ठीक। जई में नाइट्रेट NO3, ठीक, एल्कलॉइड पाया जाता है। नाइट्रेट एल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक। देखिए अगर पूछा जाए जई में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 10-12% प्रोटीन जई में पाया जाता है। ड्राई मैटर कितना होता है जई में, 30-35% शुष्क पदार्थ जई के हरे चारे में पाया जाता है। दाना क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस, जई का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है, और जई में पाया जाने वाला एल्कलॉइड जो होता है नाइट्रेट। जई में पाया जाने वाला एल्कलॉइड कौन सा है, नाइट्रेट है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, देखिए अब इसकी किस्में देख लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं। पहला किस्में, जई की किस्म है एक अल्जीरियन, अल्जीरियन है, और उसके बाद कैंट है, ब्रुनकर्टन है, कैंट हुआ, कैंट के बाद ब्रुनकर्टन, ब्रुनकर्टन हुआ, ठीक। आगे आफ्टर जी और फ्लेमिंग गोल्ड, आफ्टर जी, आफ्टर जी, उसके आगे फ्लेमिंग गोल्ड, फ्लेमिंग गोल्ड, फ्लेमिंग गोल्ड हुआ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है कोचमैन, कोचमैन, ठीक। और कोचमैन के बाद एक है IGFRI 302, IGFRI कितना, 302, ये कहां से निकली है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां स्थित है, झांसी में, ठीक। और एक और है बुंदेलखंड जई, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जई आठ सौ बाईस। उसके बाद है यूपीओ, यूपीओ 212, यूपीओ 212। देखिए यूपीओ का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश ओट, ओट, ओट मीन्स जई, उत्तर प्रदेश ओट 212,
12 ये तो इसकी किस्में हैं। ठीक, अब सोइंग टाइम की हम लोग बात कर लेते हैं। सोइंग टाइम, तो सोइंग टाइम क्या रखते हैं, जई रबी सीजन की फसल है तो सोइंग टाइम कैसा रखेंगे, अक्टूबर नवंबर। ठीक, अक्टूबर नवंबर, अगर रबी सीजन की फसल है तो प्लांट कैसा होगा, प्लांट टाइप लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, इंपॉर्टेंट किस्म कौन सी है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट किस्म जो बार बार पूछा जाता है, कैंट। कैंट किसकी वैरायटी है, तो जई की। ब्रोनका 10 है, आफ्टर जी है, फ्लेमिंग गोल्ड, कोचमैन। कोचमैन किसकी किस्म है, जई की। ठीक, IGFRI 302 बुंदेलखंड जई 822 और यूपी ओट 212। ठीक, सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर में और कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है। आगे इसकी सीड रेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो इसका सीड रेट जो रखते हैं 80 से 100 किलोग्राम। सीड रेट कितना रखते हैं, 80 से 100 किलोग्राम। प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी, पहली कटाई जो करते हैं, बुआई जब पौधा लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, पौधा 60 सेंटीमीटर लंबा हो जाए और बुआई के लगभग 55 दिन बाद। ठीक, हार्वेस्टिंग पौधे की लंबाई 60 सेंटीमीटर और बुआई से 50 से 55 डे आफ्टर सोइंग पहली कटाई देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाए और लगभग बुआई से 50 से 55 दिन बाद, और पहली कटाई जो करते हैं जमीन से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 8 से 10 सेमी की ऊंचाई पर ठीक। अगर पूछा जाए जय की कटाई जमीन से कितनी ऊंचाई पर करते हैं, ऑप्शन में आपको दे दिए, 2 से 3 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 4 से 5। ध्यान रखिएगा 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करते हैं। ठीक, और ये तो पहली हो गई, और दूसरी कटाई पहली कटाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद दूसरी कटाई करते हैं। और इसकी उपज देख लेते हैं, ये तो पहली और दूसरी, ध्यान रखिएगा पहली कटाई के लगभग 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद दूसरी कटाई करते हैं। उपज हरा चारा कितना प्राप्त होता है, हरा चारा हम लोग को जो प्राप्त होता है लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा हो गया, और दाना 25 से 30 क्विंटल
25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना और इसका भूसा जो प्राप्त होता है लगभग 25 क्विंटल 20 से 25 क्विंटल। तो हरा चारा ढाई सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। दाना 30 क्विंटल, तो 30 से 35 कर लीजिए, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। दाना हो गया, भूसा की बात करते हैं। भूसा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट बनाकर रख लीजिएगा, ठीक। जई एक ऐसी चारे वाली फसल है, जई का प्रयोग किसके लिए, जई एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग साइलेज और हे, दोनों बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जई का प्रयोग साइलेज यौम है दोनों के निर्माण के लिए किया जाता है। साइलेज एवं हे दोनों बनाने में किया जाता है। ठीक। और देखिए, जई की जो एक किस्म थी बहुत इंपॉर्टेंट, कैंट। कैंट जो है, कैंट का प्रयोग दाना के लिए और हरा चारा दोनों के लिए किया जाता है। कैंट किस्म जो थी, कैंट किस्म दाने और चारे दोनों के लिए किया जाता है, ठीक। दाना और चारा दोनों के लिए किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जई एक ऐसी किस्म है, जई एक ऐसी फसल है, ऐसी चारे वाली फसल है जो रबी सीजन में, ग्रैमनी कुल की एक ऐसी फसल है चारे की जो रबी सीजन में उगाई जाती है। और ग्रैमनी कुल की जितने चारे वाली फसल हैं सब कब उगाई जाती हैं, सब खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक। तो देखिए, सीड रेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 80 से 100 किलोग्राम पौध की कटाई कब करते हैं, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर या 50 से 55 दिन बाद। और दूसरी कटाई कब करते हैं, पहली कटाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद। और जमीन से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर इसकी कटाई करते हैं। हरा चारा के लिए कितना प्राप्त होता है, 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दाना 30 से 35 क्विंटल और भूसा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, यह एनिमल हस्बेंड्री में भी काम देगा, कि जई का प्रयोग, जई एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग साइलेज एवं हे दोनों बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सबसे अच्छा साइलेज, किस फसल का बनता है और सबसे अच्छा है किस फसल का बनाया जाता है, ठीक।
तो जेई कंप्लीट हुई, आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।